गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरी लास्ट वीडियो का ही नेक्स्ट सीरीज़ है। हम लोग इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म एडजेक्टिव और उसके कंसेप्ट्स, उसके रूल्स को समझ रहे थे, तो उसके ही आगे का वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग को आज जो स्टार्ट करना है वो रूल नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, आइए समझते हैं। जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो वाक से उन वस्तुओं का ही कंपैरिजन स्पष्ट होना चाहिए। कई बार कंपैरिजन करते समय निम्न प्रकार की गलती की जाती है। इन शॉर्ट, जब हम लोग दो वस्तुओं का कंपैरिजन करेंगे तो उनका जो कंपैरिजन है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन जयपुर। और इसी का ही सेकेंड सेंटेंस है जो कि करेक्ट है, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर, इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करेंगे ना तो इसका जो कंपेरिजन है वो 100% क्लियर बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग जयपुर जब लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्लियरिटी साफ नज़र दिखाई नहीं देती। ऐसे हम लोग चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं और क्लियर समझ आएगा। माई शूज आर बेटर देन यू, जो कि गलत है। माई शूज आर बेटर देन योर शूज, या फिर माई शूज आर बेटर देन योर्स। तो हम लोग को क्लियरिटी चाहिए ना इसमें। अब देखिए, मैं आपको इस बात को ऐसे समझा देता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ आपको माई शूज आर बेटर देन यू, इसका मतलब ये होगा कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। अब तुम्हारा मतलब मेरे जूतों का कंपेरिजन तुमसे क्या, सीधी सी बात। तो मेरे जूते का कंपेरिजन तुम्हारे जूतों से होना चाहिए ना। तो अगर हम ये दिखाएं कि माई शूज़ आर बेटर देन योर शूज़ तब क्लियर होगा, या मैं ये बोलूं कि माई शूज़ आर बेटर देन योर, आई मीन योर्स, तब सही होगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों हेतु किया जाता है। दो से अधिक के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग तुलना करेंगे तो दो लोग की करेंगे, दो से ज़्यादा की करेंगे तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे विच इज़ बेटर, टी कॉफ़ी और मिल्क। अब तीन चीज़ें होंगी ना यहाँ पर, टी कॉफ़ी और मिल्क। तो दो से ज़्यादा हो गए तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस, विच इज़ ईजियर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। यहाँ पर दो से ज़्यादा का कंपेरिजन हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल, दो वस्तुओं की तुलना हेतु सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ही इज़ द बेस्ट ऑफ टू स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है, आई मीन जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सबसे टॉप पे होती है। तो हम लोग दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, देखो दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, विच इज़ द चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड। तो हम लोग 1+1 दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 9। वाक्य में दो सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ किया जाना गलत है। जैसे ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव हो गया और स्ट्रॉन्गेस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। ठीक है, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही डिग्री है सुपरलेटिव, वो स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है, द रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ पर मोस्ट है और लॉन्गेस्ट है, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज करना क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है, द रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। चलिए रूल नंबर 10 क्या कहता है, सुपरलेटिव के साथ अदर और एज का प्रयोग करना भी गलत है।
जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल गर्ल्स नॉट ऑल अदर गर्ल्स, है ना। तो शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, तो जब भी हम सुपरलेटिव के साथ अदर और एज का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, तो ये गलत हो जाएगा। बट अभी सही है, तो हम नॉट करेक्ट। ही इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स, गलत होगा। ही इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दैट्स करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 11। सुपरलेटिव के साथ सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब प्लेस का संदर्भ हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की। हम लोग यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनका यूज हुआ। नेक्स्ट नंबर 12। कई वाक्यों में अमोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में किया जाता है, जैसे दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब भी हम लोग अमोस्ट का यूज करेंगे तो उसका अर्थ होगा वेरी। ऐसे वाक्यों में सुपरलेटिव की तरह इन द लाइब्रेरी और इन द स्कूल का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 13। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट एवं मोस्ट के साथ कई बार लाइक का प्रयोग निम्न तरह से किया जाता है, यह सही प्रयोग है। इसे इसमें सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। विच ऑफ दी स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, ये देखिए आप कौन सी स्टोरी तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। विच ऑफ द मैगजीन डू यू लाइक बेस्ट, ठीक है। रूल नंबर 14। जब एक से अधिक एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाता है तो सभी एडजेक्टिव्स एक ही डिग्री में होने चाहिए, या तो सब कंपैरेटिव में हो या सुपरलेटिव में होने चाहिए, ठीक है। जैसे राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, यहाँ पर हमने दो एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ा, तो एक ही डिग्री में होना चाहिए। राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। देखिए, जब एक से अधिक एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाता है तो सभी एडजेक्टिव्स एक ही डिग्री में होने चाहिए, या तो सब कंपैरेटिव में हो या सब सुपरलेटिव में हो। तो अब देखिए, यहाँ पर ये कंपैरेटिव है, ये कंपैरेटिव है, बट इसमें ये पॉजिटिव है और ये कंपैरेटिव है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट कई एडजेक्टिव्स अपने मीनिंग के कारण ना तो कंपैरेटिव की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं ना सुपरलेटिव की तरह। इनके साथ वेरी या अन्य कोई एडवर्ब इनको एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे एडवर्ब निम्न हैं, दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर ना ही हम इनको कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज़ कर सकते और ना ही सुपरलेटिव डिग्री की तरह, ठीक है। इनके साथ वेरी या अन्य कोई एडवर्ब इनकी एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एब्सोल्यूट, परफेक्ट, फुल, कंप्लीट, एंटायर, होल, चीफ, एक्सट्रीम, यूनिक, यूनिवर्सल, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, आइडल, फ्लैट, इम्पॉसिबल एटसेट्रा। यद्यपि आजकल कुछ लेखक फुल, फुलर, फुलेस्ट एवं परफेक्ट, मोर परफेक्ट एंड मोस्ट परफेक्ट तथा मोस्ट इम्पॉसिबल एवं मोस्ट यूनिवर्सल का प्रयोग करने लगे, शेष एडजेक्टिव को इस तरह प्रयोग नहीं किया गया है। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज एडजेक्टिव्स, वी नेवर यूज दीज एडजेक्टिव एज अ कंपैरेटिव डिग्री और एज अ सुपरलेटिव डिग्री इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। सो वेल, एज ऑफ नाउ इट इज़ क्लियर इनाफ, और मैं नेक्स्ट नए रूल्स के साथ इसकी नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही लेकर आऊँगा। सो
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।